हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, रेलवे जयपुर बोर्ड है जो उसकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आज जारी किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और NTPC की जो 7th फेज की डेट है वो कब तक हो सकती है, और जो ग्रुप डी RRC का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए रेलवे भर्ती बोर्ड की पर्पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर की तरफ से जो है ये नोटिस पब्लिश किया गया है, और इसके अंदर जो GDCE सूचना के लिए जो GDCE यानी कि जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है वो कोविड के चक्कर में जो है उनका एग्ज़ाम डिले हो गया था, तो उनका जो अब एग्ज़ाम है वो 26/6/2021 से स्टार्ट होगा। तो उसके बारे में इस नोटिस के अंदर बताया गया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार कि इस नोटिस के अंदर क्या है। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना, GDCE सूचना 7/2019 के द्वारा JEE TMC TNMC के जो रिक्त पद भरे जाने थे उनका जो कार्यालय संग्रहालय पत्र 3/4/2021, 16/4/2021 और 20/4/2021 तक होना था। सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अधिसूचना 7/2019 के तहत JEE TMC के रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय में संदर्भित पत्र 16/4/2019 द्वारा अवगत कराया गया था कि दिनांक 18/4/2021 को होने वाली परीक्षा अब दिनांक 23/4/2021 को आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में होगी। ये सब बताया कि इन्होंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है GDCE का वो किस कॉलेज में होगा, आगरा रोड जयपुर में आयोजित की जाएगी। ये सब इन्होंने बताया था इससे पहले, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, परंतु राज्य द्वारा दिनांक 18/4/2021 के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके प्रभाव नियंत्रण और एवं रोकथाम हेतु जरिए आदेशों के मद्देनज़र उक्त पद के लिए इस कार्यालय में पत्र 20/4/2021 के द्वारा दिनांक 23/4/2021 को की जाने वाली जो ऑनलाइन परीक्षा CBT थी उसको स्थगित कर दिया गया था। इसके बारे में आगे लिखा है कि अब सामान्य विभाग प्रतियोगिता परीक्षा सूचना 7/2019 के तहत JEE और TMC के रिक्त पदों को भरने हेतु तो ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन 26/6/2021 परीक्षा केंद्र आर्य कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब किया जाएगा। यानी कि जो इसकी जो डेट है वो अब आ चुकी है, ये जो एग्ज़ाम अब किया जाएगा ये 26/6 यानी कि 26 जून 2021 में ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ये इन्होंने बता दिया गया है। इसका जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है, शेड्यूल आप देख सकते हैं। शेड्यूल इसका जो है इसके अंदर आपको बताया गया है, इसके अंदर जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो 26/6/2021 को होगा, एक शिफ्ट में होगा, और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8:30 बजे सुबह होगा, और गेट जो बंद होने का समय है वो 9:15, और परीक्षा आरंभ होने का समय जो है वो 10 बजे जो है परीक्षा आपकी आरंभ हो जाएगी। ये जो वैकेंसी थी ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी थी, तो यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जो रेलवे है अपनी रिक्रूटमेंट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। अब उन्होंने एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब 15 तारीख के बाद से या 18 तारीख के बाद से जो है अनलॉक हो जाएगा पूरा जो कंट्री है भारत, तो इसके बाद एग्ज़ाम रेलवे स्टार्ट कराना शुरू कर देगी। सबसे पहले जो रेलवे कराएगा वो NTPC 7th फेज का जो है एग्ज़ाम होगा, और उसके कुछ दिन बाद फिर ग्रुप डी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।